Hello students, how are you all? I hope all of you are fine. I welcome again in this session, and this is the session for class 2, subject English. Today in this session I am taking a poem, that is The Pets. जो हम आज poem ले रहे हैं वो है पालतू जानवर. And this is our lecture 3. The poem The Pets is in your literature book. ये आपकी literature book में है. Together with Essence is your literature book. Many of the students have taken the book, so you can go through with the books also. And those who haven't book, जिनके पास book नहीं है, मैं आपको stanza by stanza ये poem पढ़ाऊंगी. एंड द कंटेंट्स आई एम टेकिंग इन दिस पोएम आर, सो द कंटेंट्स विच आई एम टेकिंग, जो कंटेंट्स मैं ले रही हूं इस लेक्चर में वो है की पॉइंट्स. आई विल एक्सप्लेन द पोएम एंड टेल यू द की पॉइंट्स ऑफ दिस पोएम. देन वी विल मूव टू द वर्ड मीनिंग. मैं फिर आपको वर्ड मीनिंग्स के बारे में बताऊंगी, जो भी शब्द मुश्किल हैं उनका अर्थ. देन क्वेश्चन आंसर्स, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे. देन वी विल मूव टू राइमिंग वर्ड्स, फिर हम राइमिंग वर्ड्स करेंगे. आई विल ऑल्सो टेल यू अबाउट द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स एंड ऑल्सो टेल यू दैट हाउ यू आर एबल टू फ्रेम न्यू वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट लेटर्स. So, we will proceed. Let's recite the poem. My pets. I looked in the mirror and what did I see? My funny pet monkey looking back at me. I looked in the mirror. जब मैंने मिरर में देखा, एंड व्हाट डिड आई सी, तो मैंने क्या देखा. माय फनी पेट मंकी, मेरा मजाकिया पालतू मंकी, लुकिंग बैक मी, वो मेरे को पीछे से देख रहा था. सो इन द फर्स्ट स्टैंजा यू केम टू नो अबाउट द पेट दैट इज मंकी. इस स्टैंजा में कौन सा पेट है, मंकी. नाउ we will proceed to second stanza. I looked in the kitchen and what do you think? I saw my swan swimming in the kitchen sink. So I looked in kitchen, jab maine kitchen mein dekha, and what do you think, tum kya sochte ho maine kya dekha. I saw my swan swimming in the kitchen sink. मैंने क्या देखा कि मेरा जो स्वैम था that was swimming in the kitchen sink. कहाँ से स्विम कर रहा था वो, मेरे किचन के सिंक में. दो द सेकेंड पैट इज स्वैम. नाउ वी विल प्रोसीड टू द थर्ड स्टैंजा. Now, in the third stanza, I looked in the icebox and what do you know? Sitting on the ice was my garden crow. So, when I looked in the icebox, जब मैंने icebox को देखा, and what do you know? तुम क्या जानते हो मैंने क्या देखा? Sitting on the ice was my garden crow. जो आइस पर बैठा हुआ था that was garden crow, garden का कौआ था. So in this stanza the pet is crow. Now we will move to the next stanza. I looked in the bathroom and sitting in the tub was my big polar bear and her little cub. So,
When I looked in the bathroom, जब मैंने बाथरूम में देखा, and sitting in the tub was my big polar bear. जब बाथरूम में देखा तो क्या देखा? कि बाथरूम के टब में कौन बैठा था? Polar bear. And polar bear was sitting with her little cub. और किन के साथ बैठा था? अपने छोटे बच्चों के साथ. Cub. कब किसको कहते हैं हम? बियर के बच्चों को. नाउ वी विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्टैंजा. नाउ इन द नेक्स्ट स्टैंजा, आई लुक्ड इन द क्लोजेट एंड आई हैड टू लाफ व्हेन आई सॉ माय लॉन्ग नेक स्पॉटी जिराफ. नाउ आई लुक्ड इन द क्लोजेट. क्लोजेट मींस अलमीरा. जब मैंने अलमारी के अंदर देखा, एंड आई हैड टू लाफ, मुझे हंसी आ गई, मुझे हंसना पड़ा. व्हेन आई सॉ अ लॉन्ग नेक स्पॉटी जिराफ, जब मैंने अपना लॉन्ग नेक वाला, लंबी गर्दन वाला जिराफ देखा. स्पॉटी जिराफ मीन्स जिस पर स्पॉट्स बने हुए थे, बड़े बड़े चिटके बने हुए थे. सो दैट जिराफ वॉज देयर. सो इन दिस स्टैंजा द पैट इज जिराफ. नाउ वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्टैंजा. वेयर एवर आई लुक्ड आई फाउंड समथिंग क्वीर, अ पर्पल बबून और अ ब्लू रेनडियर, अ कैट इन द कबर्ड, अ माउस इन द टी. Whenever, wherever, जहां भी मैंने देखा, I found something queer. मुझे सब कुछ बहुत अजीब लगा. A purple baboon, एक purple color का baboon, एक purple color का बड़ा बंदर, और a blue reindeer, और एक blue color का हिरन. A cat in the cupboard, और एक cat कहाँ थी? अलमारी के अंदर, कबर्ड में. अ माउस इन द टी, और माउस कहाँ था? चाय के अंदर. What a strange dream of my pets did I see? मैंने कितना अजीब सा सपना देखा अपने पेट्स के बारे में. सो फ्रॉम हियर यू केम टू नो दैट गर्ल वॉज ड्रीमिंग. यहां तक गर्ल क्या कर रही थी? एक सपना देख रही थी. एंड woke up with a start and gave my head a shake, for my rabbit sat at the kitchen table eating up my cake. So when she woke up with a start and gave my head a shake, जब वो उठी और उसने अपने सर को हिलाया, so what did she saw? That her pet rabbit was sitting on the kitchen table. वो किचन टेबल पर बैठा हुआ था and eating up my cake. और वो उसका केक खा रहा था. My dog was gobbling up the ham. My cat was spooning out the jam. My pig had my pancake. My mouse had got my cheese. So, what she is saying, my dog was gobbling up the ham. Ham is piece of meat. Gobbling is nigalna ya fatafat khana. Mera dog jo hai, wo meat ka tukra fatafat nigal raha tha. My cat was spooning out the jam. Aur meri cat jo thi, वो जैम निकाल के खा रही थी. माई पिग हैड माई पैनकेक, और मेरे पिग के पास मेरा पैनकेक था. माई माउस हैड गॉट माई चीज, और मेरे माउस को मेरा चीज, मेरे पनीर का टुकड़ा मिल गया था. तो द गर्ल इज सेइंग कि मेरे पेट्स जो हैं, मेरी सारी ईटेबल आइटम्स
खा रहे थे. ऑल द टेबल आइटम्स आर विद हर पेट्स. Not my cheese. Tell me why. Oh, why did I choose pets like these? So the girl is saying, "Tell me why. मुझे बताओ क्यों क्यों मैं ऐसे pets को choose करूं. मैं ऐसे pets जो हैं वो क्यों चूज करूं. सो दिस इज ऑल अबाउट द पोएम एंड इन दिस पोएम यू केम टू नो अबाउट मैनी पेट्स. पेट्स के बारे में जाना एंड लाइक दैट ऑल्सो यू ऑल्सो प्ले विद योर पेट्स. यू ऑल्सो इंजॉय विद योर पेट्स. आप भी अपने पेट्स के साथ इंजॉय करते होंगे. सो दिस इज द पोएम. आप लोगों को अच्छे से समझ आई होगी. नाउ In the next series, I am taking word meanings. Now the word meanings are funny, 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 majakia, closet, 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 almari, queer, 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 anokha, baboon, 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 bada bandar, reindeer, 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 हिरन या बारासिंगा एक तरह का हिरन होता है. Strange, strang, strange, अजीब. Shake, 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 हिलाना. Goblin, 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 निगलना. Ham, 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 mass. Pet, 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 पालतू. सो दीज आर द वर्ड मीनिंग्स. आई होप यू अंडरस्टैंड. और आपको ये वर्ड मीनिंग्स अपनी नोटबुक में करने हैं. द एक्सरसाइज विच आई एम टेलिंग यू नाउ आई विल टेल यू. मैं आपको बताऊंगी कि आपको कौन सी नोटबुक में करनी है और कौन सी नहीं करनी है. सो बी अलर्ट. आपको ध्यान से सुनना है. नाउ वी विल प्रोसीड टू द rhyming words. And the rhyming words are, आपको rhyming words में ये ध्यान रखना है कि rhyming words are the words, those are of same sound, जिनको बोलते हुए sound same आए. And आपकी spelling भी जो है that should be correct. So the first one is C V me he crow no throw low shake cake bake lake cheese tease please sneeze. So these are the rhyming words. You can also underline the rhyming words in the poem. A poem may be राइमिंग वर्ड्स अंडरलाइन कर सकते हैं. जिन बच्चों के पास बुक आ गई है, इफ यू हैव परचेज द बुक, आप राइमिंग वर्ड्स अंडरलाइन कर सकते हैं. एंड दिस एक्सरसाइज इज ऑल्सो गिवन इन योर बुक. सो नो नीड टू डू दिस एक्सरसाइज इन नोटबुक. तो आप ये एक्सरसाइज जो है वो नोटबुक में नहीं करें. दिस वी विल डू इन द बुक ओनली. So I'll proceed to the next exercise. Next in the series I am taking where was the mouse in the girl's dream. And these are the question answers which are in your book as a book exercise. So those who have book they can do in the book. And those who don't have book, जिनके पास book नहीं है, वो इसको नोटबुक में कर सकते हैं फॉर प्रैक्टिस, प्रैक्टिस के लिए. सो आई रिपीट द फर्स्ट क्वेश्चन अगेन. वेयर वॉज द माउस इन द गर्ल्स ड्रीम. गर्ल की ड्रीम में माउस कहाँ था, सपने में माउस गर्ल को कहाँ दिखा. इन द ट्री. द माउस वॉज इन द
tea. You can write also like this, in the tea. The mouse was in the tea. Now, second, what was the color of baboon? So, इस क्वेश्चन का मीनिंग है कि बबून का क्या कलर था या बबून किस रंग का था. सो वी विल स्टार्ट द आंसर फ्रॉम द क्वेश्चन. देखिए हम आंसर क्वेश्चन से ही स्टार्ट करेंगे. द कलर ऑफ बबून देन वॉज पर्पल. आपको सिर्फ एक वर्ड याद रखना है, दैट इज पर्पल. ऑल द अदर वर्ड्स आर फ्रॉम द क्वेश्चन ओनली. बाकी सब वर्ड्स जो हैं वो क्वेश्चन से ही लिए गए हैं. सो इन दिस वे, इस तरीके से आप अपने क्वेश्चंस के आंसर फ्रेम कर सकते हैं. सो बबून का कलर क्या था? पर्पल. नाउ द थर्ड वन, व्हाट वाज द कैट स्पूनिंग आउट. कैट जो है वो क्या स्पून से निकाल रही थी? नाउ लुक एट द क्वेश्चन. द कैट वॉज स्पूनिंग आउट जैम. कैट क्या निकाल रही थी? जैम. सो आपको लर्न करना है जैम एंड ऑल द अदर वर्ड्स आई टेक फ्रॉम द क्वेश्चन ओनली. लाइक दिस इट इज वेरी इजी टू लर्न द क्वेश्चन आंसर्स. इस तरीके से आप क्वेश्चंस को आसानी से लर्न कर सकते हैं. आई होप आपको ये क्वेश्चंस समझ आए होंगे. नाउ वी प्रोसीड. नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द डिस्क्राइबिंग वर्ड. डिस्क्राइबिंग वर्ड्स को हम एडजेक्टिव भी बोलते हैं एंड डिस्क्राइबिंग वर्ड्स टेल्स अस समथिंग अबाउट नेमिंग वर्ड्स. डिस्क्राइबिंग वर्ड वो होते हैं जो हमें नेमिंग वर्ड के बारे में कुछ बताएं. फॉर एग्जाम्पल आई हैव टेकन टू नेमिंग वर्ड्स ओवर हियर, बॉय एंड अ गर्ल. आप में से कोई बॉय होगा और कोई गर्ल, दोज हु आर वॉचिंग लेक्चर, है ना, जो लेक्चर देख रहे हैं या तो गर्ल है या बॉय है, मे बी योर पेरेंट्स ऑल्सो, बट जो स्टूडेंट्स हैं वो या तो बॉय हैं या गर्ल हैं. So the two words are naming words. ये दोनों क्या हो गए? Naming word. And when I say smart boy, smart girl, तो the smart word add to it as a describing word. तो smart word जो है वो boy और girl को describe कर रहा है, उनके बारे में बता रहा है. It can be an intelligent boy, it can be a tall girl. So these words are called describing words. See few more example. Like wind is a naming word and I put cold wind or hot wind. So the cold and hot words are describing the wind. They are describing, वो बता रहे हैं कि wind कैसी है, या तो गर्म है या ठंडी हवा चल रही है. Now sound. Sound is a naming word and with it is describing word is loud or sweet. So I hope आपको describing word समझ में आ गया होगा. And this is the topic which is in your lesson 2. ये topic आपका lesson 2 से लिया है मैंने. So I covered this topic from your book exercise of lesson 2. Which we have discussed in the previous lecture. जो हमने previous lecture में lesson discuss किया था उसमें एक topic book exercise में ये भी था. So you have to do this topic in book only. But मैं ये आपको describing word के बारे में एक question I am giving in the assignment also. मैं assignment में भी दूंगी for your practice, आपकी practice के लिए. So आपको ये आना चाहिए, हाउ टू फिल द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स. नाउ इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू फ्रेम न्यू वर्ड्स बाय रिप्लेसिंग अ लेटर.
ए बी सी डी दीज आर लेटर्स और यू कैन से अल्फाबेट्स, ये या तो लेटर्स होते हैं या अल्फाबेट्स, एंड विद द हेल्प ऑफ दीज लेटर्स वी फ्रेम वर्ड्स, हम वर्ड्स बनाते हैं, लाइक कैट, सी ए टी कैट इज अ वर्ड, एंड इफ आई से सी ए टी तो सी एक क्या है लेटर. सो जब हम लेटर्स को रिप्लेस करते हैं तो हम एक नया वर्ड बना सकते हैं, लाइक सी ए टी कैट, एंड वेन आई रिप्लेस सी विद आर इट विल बी रैट, ये रैट बन जाएगा, एंड वेन आई रिप्लेस सी विद बी देन इट इज बैट, बी ए टी बैट. वन मोर आई विल टेल यू, कैट बैट मैट, एम ए टी मैट, ओवर हियर आई रिप्लेस सी विद एम, एंड यू कैन रिप्लेस एस ऑल्सो, एस ए टी सेट. सो लाइक दिस यू कैन फ्रेम न्यू वर्ड्स फ्रॉम द given word. Now one word is fry, F-R-Y, fry, and when I replace F with D, it will be dry, and when I replace F with C, it will be cry, and when I will replace T with F, it will be try. जब F को C और T से बदल दिया जाता है तो अलग words बन जाते हैं. Like next word is sun, S-U-N, sun. When I replace S with B, it will be bun. It can be none, because I replace S with N. Then I replace S with F, fun. So like this, you can frame new words by replacing any of the letter of the given word. So this is also the question which is given in the book as a book exercise. So you have to do in the book only. If you have book, अगर आपके पास book है तो आप book में कर लीजिए, otherwise just listen and recall. और practice के लिए या आप एक अपना play way method के लिए, enjoy के लिए करना चाहते हैं तो it's very good. Now I hope you understand all the things जितनी भी आज हमने discuss की. Now I am telling you that it is the time for homework and you have to do the homework in the assignment only. Because right now we are giving you the assignment to do the homework and the assignment is on your EDQA. So you will do this assignment on EDQA, from the EDQA, and on the very next day the solution is provided. Aur agle din hi aapko solution mil jayega. You can check your answers. And if you are not able to do, you can do with the help of the solution. I hope you understand the things. So, thank you and just complete your work and get ready for the test, because aapka test bhi side by side ho raha hai, you very well know. So, give time to your studies. Apni studies ko time do. Enjoy the lectures. Thank you.